एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में अपने सभी भिक्षुओं को सुबह सुबह उपदेश दे रहे थे। तभी उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनका एक भिक्षु उनसे पूछता है कि भंते, आप इतने चैतन्य हैं, परम ज्ञानी हैं, आप वो देख और समझ सकते हैं जो कोई नहीं जानता, किंतु हम आपकी तरह क्यों नहीं हैं? हम आपकी तरह ज्ञानी कब होंगे? आपकी तरह जीवन को देखने का नजरिया हमारा कब होगा? अपने भिक्षु के इस प्रश्न पर महात्मा उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं, पहले उसे सुन। दोस्तों, इस घटना को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको समय पर सभी कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। सभी भिक्षु महात्मा को सुनने के लिए उनकी तरफ ध्यान से देखते हुए बैठ जाते हैं। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ के घर में सब कुछ था। सेठ का एक बेटा था, वो स्वयं से ऐशो आराम से पला बढ़ा था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसके मन में ये विचार आने लगा कि ये सब धन संपत्ति उसके पिता की मेहनत की है, जिसमें उसका किसी भी तरह का सहयोग नहीं है। फिर वो उस पर क्यों इतना निर्भर है? लड़के के मन में आता है कि उसे भी स्वयं के दम पर कुछ करना चाहिए, स्वयं के लिए कुछ बनना चाहिए। और यही सोच के साथ वो एक दिन पिता की सभी धन संपत्ति सब कुछ त्याग कर खाली हाथ घर से निकल जाता है। सेठ उसे अक्सर समझाता है कि वो इसी व्यापार को अपने से आगे ले जा सकता है और उसे उसमें उसका सहयोग करना चाहिए, लेकिन बेटा पिता की नहीं सुनता। एक तरफ पिता के पास सब कुछ था, वहीं दूसरी तरफ वो लड़का खाली हाथ सड़कों पर घूम रहा था। उसके पास ना तो रहने को घर था, ना खाने को पैसे। वो इसी तरह भटकता रहा और सब जगह घूम पुनः अपने घर की तरफ आ गया। सेठ को जब अपने बेटे की इस हालत का पता चलता है तो वो अपने सेवकों द्वारा उसे वापस आने का संदेश भिजवाता है, लेकिन लड़का संदेश बिना पढ़े ही वापस भिजवा देता है और कहता है कि वो अपने हिस्से का सुख दुख देख लेगा। सेठ बेटे का यह उत्तर सुन एक तरफ उसकी ईमानदारी देख खुश भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे उसकी चिंता भी होती है कि जिसे उसने वर्षों तक संभाल कर ऐशो आराम में रखा, उसे यूं किस तरह सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दे। अब वो बेटे की जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने में सहयोग के लिए कुछ उपाय ढूंढता है। वो एक गुरुजी जिनसे वो बहुत प्रभावित था और उनकी देखरेख में अब तक सब कार्य किए थे, उन गुरु को भेष बदल कर उसकी सहायता और उसे सही निर्देश देने के लिए भेज देते हैं। वो गुरुजी लड़के को स्वयं के आश्रम में ले जाते हैं और वहीं रख उसे शिक्षा देते हैं। सेठ का बेटा बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। धीरे धीरे उसने हर तरह से स्वयं को हर सांचे में ढालना सीख लिया और गुरु के कहे अनुसार सब कार्य करने लगा। सेठ अक्सर छुप छुप के बेटे को देखने के लिए आश्रम जाया करता था। धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद जब सेठ का बेटा पूरी तरह अपनी शिक्षा कलाओं में निपुण हो गया, तब गुरु ने सेठ को बुलाया और कहा कि अब तुम्हारा बेटा इस काबिल हो गया है कि तुम उसे स्वयं के पास रख किसी भी क्षेत्र में कोई भी स्थान देकर कार्य उस पर सौंप सकते हो। बेटे की ये प्रशंसा सुन सेठ उससे मिलने जाता है और कहता है कि तुम शुरू से स्वयं के बल पर कुछ करना चाहते थे, आज मैं अपनी वर्षों की मेहनत तुम्हें देता हूं, तुम उसे स्वयं की सूझबूझ से आगे ले जाओ। उस सारे व्यापार की जिम्मेदारी बेटे को दे देता है और स्वयं को सबसे मुक्त कर लेता है। स्वयं के ऊपर मिली इस जिम्मेदारी से सेठ का बेटा पूरी लगन
और ईमानदारी से पूरा करने में जुट जाता है और उसमें स्वयं का पूरा सहयोग दे पिता के कार्य को एक नया स्वरूप देकर आगे ले जाता है। धीरे धीरे वो काम और सीखता रहा और उस व्यापार को आगे ले जाता रहा और फिर वो दिन भी आया जिसका पिता और बेटे दोनों को इंतजार था। उसने स्वयं की मेहनत और ईमानदारी से पिता के व्यापार को एक अलग रूप और स्थान दिया और उसमें बहुत तरक्की की। बेटे की कामयाबी देख पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और कहता है कि देखा, समय के साथ साथ सब हो जाता है। जिस कार्य के बारे में तुम कल तक कुछ नहीं जानते थे, उसे करना नहीं चाहते थे, आज तुमने उसे एक नया रूप देकर नई दृष्टि दी है। जीवन में आप हर चीज पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा, धैर्य रखते हुए समय के साथ आप सब वो प्राप्त कर लेंगे। पिता की बात सुन लड़के को भी समझ आ जाता है कि यदि व्यक्ति स्वयं पर भरोसा और धैर्य रखे तो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, कार्य चाहे कोई भी हो, स्वयं के परिश्रम से उसे आगे ले जा सकता है। यदि ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो निश्चित ही वो आगे बढ़ता है, उसमें सफलता मिलती है। कहानी के अंत में महात्मा कहते हैं कि तुम भी एक दिन उस स्थान पर बैठे होंगे अपने नजरिए और अनुभव के साथ, और तब तुम्हारा स्वयं का जीवन को समझने का अपना तरीका होगा। किसी के जैसे मत बनो, जो तुम हो उसे निखारो और धैर्य रखो, समय के साथ सब होगा। व्यक्ति अपने अनुभवों के साथ बहुत कुछ सीखता और समझता है और तभी उसे आगे जाकर किसी से साझा करता है। लेकिन यदि तुम सोचो कि सब तुम्हें आसानी से मिल जाए तो ये संभव नहीं है। मैंने यहाँ तक आने के लिए स्वयं को समय दिया, अकेले यात्रा की, तभी आज मैं यहाँ हूँ। तुम्हें भी अपने जीवन की ये यात्रा करनी होगी, तभी तुम उस स्थान पर जाओगे, जीवन को समझोगे। महात्मा की बात सुन भिक्षु को यह एहसास होता है कि उसे अभी और सीखने की आवश्यकता है। जब तक वो स्वयं नहीं सीखेगा दूसरे को क्या बताएगा, अभी उसे स्वयं पर कार्य करना आवश्यक है। एक राज्य में एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी धन से जितना धनी था, स्वभाव का भी वो उतना ही शांत और विनम्र था। वो घर हो या बाहर, हर किसी के साथ बहुत मधुर और विनम्रता का व्यवहार किया करता था। लोगों की मदद करता, गरीबों को दान करता, जिसके पास रोजगार नहीं था उन्हें स्वयं के यहाँ काम देता। पूरे राज्य में व्यापारी की शान बन गई थी। व्यापारी जिस तरह सबको मानता, सभी लोग उसे उतना ही प्रेम देते। लेकिन उसके विपरीत जो व्यापारी का इकलौता बेटा था, उसका स्वभाव पिता से बिल्कुल अलग था। पिता को जितना सब प्रेम करते, सम्मान देते, उसके बेटे को लोग उतना ही नापसंद करते। इसका कारण उसका स्वभाव था। वो एक क्रूर अहंकारी लड़का था जो शुरू से ही पिता के पैसों और ऐशो आराम में रहा आया था। उसका दूसरे लोगों के साथ व्यवहार काफी बुरा था। वो उन्हें परेशान करता, उनकी मजबूरी परेशानी को कभी नहीं समझता। एक बार व्यापारी के बेटे ने नगर के किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। ये देख सभी आसपास के लोग उस पर बहुत भड़क जाते हैं और व्यापारी के पास जाकर उसकी शिकायत कर देते हैं। व्यापारी बेटे को माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन बेटा उसकी एक ना सुनकर वहां से चला जाता है। बेटे के इस स्वभाव से अब व्यापारी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। व्यापारी के ही राज्य के किसी दूसरे नगर में एक प्रख्यात महात्मा का आश्रम हुआ करता था। वो एक परम ज्ञानी महात्मा थे जिन्हें सभी बहुत मानते थे। उनकी शरण में जो भी व्यक्ति जाता कभी निराश होकर वापस नहीं आता। व्यापारी भी शुरू से उनसे प्रभावित था और उनके बताए सत्य की राह धर्म पर चलता आया था। जब उसने स्वयं को इस तरह दुखी पाया, तब एक दिन वो महात्मा के आश्रम में अपनी परेशानी लेकर पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो कहता है कि मैंने अपने
बेटे के व्यवहार को ठीक करने का, सुधारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। अब उसका व्यवहार और अधिक बुरा हो रहा है, जो उसके आसपास या फिर अन्य किसी के लिए सही नहीं है। वो क्या करे? व्यापारी को यूं चिंतित देख महात्मा उससे कहते हैं कि तुम अपने बेटे को कुछ समय के लिए यह मेरे आश्रम में ही छोड़ दो, उसकी आगे की शिक्षा यहीं से होगी। महात्मा की बात सुन वो बेटे को उनके आश्रम में छोड़ देता है। शुरुआत में तो बेटे को आश्रम में बहुत समस्या आती थी। उसे ना तो वहाँ का माहौल पसंद आता है और ना ही वहाँ के लोग, ना ही उनके उपदेश और विचार। वो हमेशा उनसे भागता, इस ओर ध्यान ही नहीं देता। महात्मा ये सारा दृश्य जानते थे। एक दिन उन्होंने सभी भिक्षुओं के साथ व्यापारी के बेटे को भी भिक्षाटन करने के लिए कहा। ये सुन पहले तो वो इनकार कर देता है कि स्वयं वो इतने धनी सेठ का बेटा होकर क्यों किसी के पास भिक्षा मांगे। वो महात्मा से कहता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है जो मैं भीख मांगूं। ये सुन महात्मा उससे कहते हैं कि इस तरह नगर में उसके सिवा अन्य कोई नहीं जानता कि वो एक सेठ का बेटा है, क्योंकि उसका स्वयं का कुछ नहीं है जो लोग उसे जाने, तो उसे यहाँ रहने के लिए भिक्षाटन तो करना होगा, तभी तुम्हें भोजन मिलेगा। यहाँ सभी अपना भोजन स्वयं लाते हैं। ये सुन लड़के के पास अब कोई मार्ग नहीं था। वो भिक्षाटन के लिए चला जाता है, क्योंकि ना तो वो आश्रम से कहीं जा सकता था और ना ही पिता के पास। वो सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए चला जाता है। वो सभी एक गांव में जाकर सभी से भिक्षा मांगते हैं। सबको भिक्षा मिल जाती है, लेकिन उस लड़के को किसी के भी घर से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके उनसे बात करने का तरीका बहुत ही खराब होता है। वो सभी से बड़े ही अहंकार से भिक्षा मांगता, जिसे सुनकर आसपास के लोग उसे अनदेखा कर देते, क्योंकि उसके मांगने के तरीके से लगता मानो वो भिक्षा नहीं मांग रहा बल्कि उन्हें धमका रहा है। उसका अहंकार उसकी वाणी में साफ था। शाम को जब वो भिक्षाटन करके वापस आता है तो सभी भिक्षु एकत्र होकर भोजन करने बैठ जाते हैं, लेकिन वो लड़का अकेले दूर खड़ा होता है, क्योंकि उसे कुछ मिला ही नहीं था। भूख से व्याकुल वो यूं ही रह जाता है। महात्मा ये बात जानते थे, लेकिन उसे सुधारने के लिए वो कुछ नहीं करते। अगले दिन वो शिष्य और अन्य सभी काम के बाद जब पुनः सब भिक्षा लेने जाते हैं, तब वो लड़का भी उनके साथ जाता है, लेकिन इस बार भी पहले की तरह अकड़ कर बात करने के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता और वो पुनः भूखा रह जाता है। ये देख एक दिन महात्मा उससे कहते हैं कि एक बार ध्यान देना कि क्यों प्रतिदिन सभी भिक्षु भिक्षा लेकर आते हैं और वो खाली हाथ। गुरु की ये बात सुन वो सोच में पड़ जाता है। इस बार जब वो भिक्षाटन के लिए जाता है तो सभी भिक्षुओं को बड़े ध्यान से भिक्षा लेते देखता है। वो पाता है कि सभी बड़ी ही मधुरता और विनम्रता के साथ सभी से भिक्षा मांगते हैं, जबकि उसका मांगने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये देख इस बार वो भी भिक्षा मांगते समय सभी से बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करता है और इस बार उसे भिक्षा मिल भी जाती है। और भिक्षा ले जब वो वापस आश्रम आता है तो सबके साथ भोजन करने बैठ जाता है, और तब उसको ये एहसास होता है कि यदि आपको किसी से कुछ मांगना है, किसी के साथ मिलजुल कर रहना है, तो उसके लिए व्यक्ति का स्वभाव, भाषा सब विनम्र होनी चाहिए। व्यक्ति को आग्रह करना आना चाहिए, तभी वो सबके साथ इस तरह रह सकता है। अन्यथा यदि वो इसी तरह अकड़ और अहंकार में रहेगा तो उसे सबसे दूर रहना पड़ेगा, कोई उसे स्वयं के साथ नहीं रखेगा। लड़के को अच्छी तरह ये बात समझ आ जाती है और वो भी धीरे धीरे स्वयं के व्यवहार में बदलाव लाने लगता है। वो काफ़ी समय तक सबके साथ आश्रम में रहता है। उसने सबके साथ बहुत ही अच्छा संबंध बना लिया था। जब महात्मा ने ये पाया कि वो पूरी तरह बदल रहा है, उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा है, तब उसे
उसके घर वापस भेजने का निर्णय लिया जाता है। जाने से पूर्व महात्मा उसे स्वयं के पास बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में सदैव एक बात का स्मरण रखना कि यदि तुम तुम्हारे व्यवहार को एक मीठे फल के भांति रखोगे तो सभी तुम्हें प्रेम और सम्मान देंगे, तुम्हें चाहेंगे, लेकिन यदि तुम उसी फल के कड़वे हिस्से की तरह बन जाओगे तो कोई तुम्हें स्वयं के आसपास भी देखना नहीं चाहेगा। सभी आपको आपके धन पद से नहीं, आपके कर्म और व्यवहार से जानते हैं। किसी को यहाँ इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम कितने धनी हो, यहाँ सबने तुम्हें तुम्हारे व्यवहार और कर्म से जाना, पहचाना, अपनाया और यही अहमियत रखता है। स्वयं को इस तरह बनाओ कि लोग आपको आपके कर्म से जाने, व्यवहार से जाने। व्यक्ति का व्यवहार सदैव विनम्रता और प्रेम से भरा होना चाहिए। महात्मा की ये सीख लड़का पहले ही अनुभव कर चुका था और इस बात की सीख को अच्छी तरह समझकर गांठ बांध लेता है और सभी से प्रेम पूर्वक मिलकर विदा ले लेता है। अपने नगर पहुंचकर वो गुरु द्वारा दी गई सीख पर ही चलना शुरू कर देता है और सभी के साथ अपना व्यवहार बदल लेता है और अच्छे से रहने लगता है। बेटे का ये बदलाव देख व्यापारी भी बहुत खुश होता है। इसलिए इस पूरी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य का व्यवहार और कर्म सदैव अच्छा होना चाहिए, तभी आप सभी के बीच रह पाएंगे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। आपका विनम्र व्यवहार ही सबके भीतर आपकी एक अच्छी छवि बनाता है। लोग आपको आपके कर्म और एक अच्छे व्यक्तित्व से पसंद करते हैं, ना कि आपके धन और ऊंचे पद से। आशा करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।